हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.6 आज से स्टार्ट है। इसके पहले जो भी क्लासेस हुई अगर आपने नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट अगर आपको ढूंढने से नहीं मिल रही है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पे आपको हमारे ऐप की लिंक, टेलीग्राम लिंक और ये आपकी मैथ्स के चैप्टर्स की लिंक, साथ के साथ आपके साइंस की लिंक भी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के मासा ज्ञात कीजिए। तो मासा जो है हम यहाँ पे आपको तीन तरीके से सिखाएंगे। क्वेश्चन हमारे इसमें जे तक दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन हम मतलब वो सारे क्वेश्चन हम तीनों विधियों से कराएंगे अलग अलग। ऐसा नहीं एक क्वेश्चन को तीन तरीके से कराएंगे, तब तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम करने वाले हैं अपने ए वाले पार्ट को। तो ए वाला जो पार्ट है वो उसमें हमारा दिया गया है 18 और 48 दिया गया है। ठीक है, तो हम पहली विधि जो है हम आपको बताने वाले हैं, वो बताने वाले हैं जैसे हमारा एलसीएम निकाला जाता है सेम वैसी विधि से, जहां पे हम 18 लिखेंगे और 48 को लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से लासा की तरह जो हम लाइंस बनाते हैं सॉल्व करने के लिए, सेम वैसी लाइन हम यहाँ पे बनाएंगे। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों को काट रहा हो। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ एक को काट रहा हो, हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों को काट रहा हो और छोटे से छोटा ढूंढना है। जैसे ये 18 और 48 छह से कट जाएंगे और दो से भी कट जाएंगे, तो हमें छह नहीं रखना है, हमें दो रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो लेंगे, दो नेम 18। ठीक है, और दो दूनी चार और दो चक्कू 8। फिर से हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों को काट दे, तो हम तीन लेते हैं, तीन तिया 9 और 3 8 24। अब हम ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो तीनों को काट दे, तो अब हमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है जो तीनों को मतलब दोनों को काट दे, जो दोनों को काट रहा हो, कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को काट रहा हो। तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे और इनका गुणनफल ही हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे का मासा। ठीक है, तो इसका मासा क्या हो जाएगा, 2 गुणे में 3 मतलब कि आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, ये तो ही हमारी पहली विधि। अब हम अपना करेंगे कौन सा क्वेश्चन, सेकेंड वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड बी वाला पार्ट जो है हम यहाँ पे कर लेते हैं, हम नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। ठीक है, बी वाले पार्ट में हमको दिया गया है 30 और 42। इसका हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है। ठीक है, इसको हम भाग विधि से सॉल्व करेंगे। भाग विधि से हम कैसे सॉल्व करते हैं, छोटा वाला जो नंबर होता है उससे हम भाग करते हैं किसको, बड़े वाले नंबर को। ठीक है, अब हम कितनी बार में इसको ले जाएंगे, तो इसको हम एक बार में ले जाएंगे, दो बार में तो ले जा नहीं सकते। तो 30 एकम 30 हो जाएगा, कितना बचेगा, 2 में से 0 गया 2 और 4 में से 3 गया 1, 12 बच गया। अब ये इसको हम शेष नहीं मानेंगे, क्या करेंगे, इसको ही हम क्या बना लेंगे, भाजक बना लेंगे। और ये जो 30 है वो कहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब भाग देंगे, 12 दूनी 24, 12 3 36, 36 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम 12 दूनी 24 करेंगे। अब घटा देंगे, हमारा 6 बच जाएगा। अब जो 6 बचा है उसको हम भाजक बना लेंगे और ये जो हमारा 12 है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको हम इस तरीके से कर देते हैं। ये जो 12 है हम आपको ये समझाने के लिए यहाँ पे ये ड्रॉ कर रहे हैं, इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है, आपको खुद ही समझना पड़ेगा। 6 दूनी क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, 6 दूनी क्या होता है, 12 होता है। अब हमने यहाँ पे देखा 12 में से 12 पूरा पूरा कट गया, तो अब ये नहीं हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला जिसने पूरा पूरा कटा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, इसका भी मासा हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन देख लिए, दोनों के आंसर भी हमारे 6 और 6 आ रहे हैं। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, अब हमारा सी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो सी वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है 18 और 60 का मासा। ठीक है, इसको हम तीसरे तरीके से आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तीसरा तरीका हमारा गुणनखंड विधि का है। तो हम क्या करेंगे, 18 के क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम किसके गुणनखंड निकालेंगे, 60 के गुणनखंड निकालेंगे। अगर आप भूल गए हो गुणनखंड क्या होता है, हम आपको बता देते हैं कि गुणनखंड आखिर होता क्या है। गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड का मतलब जैसे 18 का लासा,
और 60 का लासा, ठीक है। तो 18 जो होता है, हम क्या कैसे हम जानते हैं कि एक और तरीका है, 9 दूनी 18 होता है। अब 9 जो है हमारा टूट सकता है ना, तो 9 को कैसे तोड़ेंगे, 3 गुणे 3 गुणे में 2। चाहे तो आप लासा भी निकाल सकते हो इस तरीके से, 18 का 2 ने 18 और 3 3 9, 3 1 3, इस तरीके से भी हमारे 2 3 3 आ गए हैं। चाहे तो ऐसे कर लो, जैसे 60 है, हम जानते हैं कि 20 3 60 होता है, 3 तो टूटेगा नहीं, पर 20 टूट सकता है। 20 किस में टूट सकता है, 2 गुणे में 10 से। अब 2 तो टूटेगा नहीं, ठीक है, 3 और 2 को उतार देंगे, 10 को हम तोड़ सकते हैं किसमें, 2 गुणे में 5 में, इस तरीके से। अब हम क्या देखेंगे, मासा हमारा क्या होगा, जो कॉमन होगा वही हमारा मासा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 3 इसमें है, 3 इसमें है, और 2 इसमें है, 2 इसमें है, ये वाला 3 इसमें है ही नहीं, बस हमारा क्या कॉमन निकल के आया है, दो ही चीज कॉमन निकल के आई है, एक तो 3 निकल के आया है, दूसरा 2 निकल के आया है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो गया है। अब हम अपना करेंगे डी वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो डी वाले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है। अब आता है क्वेश्चन कि बेस्ट विधि कौन सी है, ठीक है। तो बेस्ट विधि की बात करते हैं, जो लासा जैसे सॉल्व किया जाता है वो हमारी बेस्ट विधि है, मुझे लगती है, ठीक है। अगर उसको भी सॉल्व नहीं करना आ रहा है तो डिवाइड वाली विधि बढ़िया है, तीसरे नंबर पे यही आती है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, 27 और 63 का मासा निकालना है, ठीक है। तो हम कौन सी विधि अब यहाँ पे लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं, ठीक है। 36 आया था, तो हम विधि अपनाने वाले हैं लासा वाली, तो हम यहाँ पे 27 लिखेंगे और यहाँ पे 63 लिखेंगे, ठीक है, मासा निकालेंगे। तो हम किससे कर लेते हैं, 3 से चला जाएगा, 3 ने 27, 3 दूनी 6 3 1 3, ये भी हमारे दोनों कट जाएंगे 3 से, ठीक है। 3 3 9 3 7 21। अब ऐसा कोई भी पहाड़ा नहीं है जो जिसमें 3 भी आता हो 7 भी आता हो। तो अगर मासा की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 गुणे में 3 हमारा 9 आ जाएगा मासा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम करेंगे अपना डीई वाला क्वेश्चन, ठीक है। ई वाला क्वेश्चन के लिए स्पेस तो नहीं छोड़ा था, तो चलो हम यहाँ पे कर लें, यहाँ पे कर लेते हैं ई वाला क्वेश्चन। ई वाले क्वेश्चन में हमारा क्या है, 36 और 84 दिया गया है। इसका हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लासा ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 36 लिख लेते हैं और यहाँ पे 84 लिख लेते हैं, इनका हम लासा ले लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, दोनों किसके पहाड़े में आते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, 2 से कट जाएंगे दोनों, 2 1 2 1 बचा 2 8 16, और 2 चक्कू 8 2 2 4, ये दोनों फिर से हमारे 2 से कट सकते हैं, 2 ने 18 और 2 2 4 2 1 2, ये हमारे 3 से कट सकते हैं, 3 3 9 9 7 21। अब ये हमारे किसी और से नहीं कटेंगे, ठीक है। किसी पहाड़े में 3 और 7 नहीं आता है, इसका मतलब मासा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणे में 2 गुणे में 3, मतलब 2 दूनी 4 3 12, क्या आ जाएगा, 12 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 12 हमारा मासा निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा ई वाला क्वेश्चन था, ठीक है। सी डी सी सब में से सी लिख दिया है, अच्छा सी डी ई, ठीक है। तीनों क्वेश्चन हमारे वाले सॉल्व हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, एफ जी एच, ठीक है। तो एफ वाला क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे उतार लेते हैं, 34 और 102 हमें करना है, इसका मासा करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे भाई, तो हम यहाँ पे 34 लिख लेंगे और 102 लिख लेंगे, ठीक है। इसका हमें मासा निकालना है, तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो दोनों को काट दे। तो 2 से दोनों कट जाएंगे क्योंकि दोनों ही सम संख्या है। अगर हमारे पास सम संख्याएं होती हैं, ठीक है, तो वो 2 से कट ही जाती है। तो 2 1 2 2 7 14 2 5 10 2 1 2। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो दोनों को काट दे। तो 17 तो किसी के पहाड़े में आता नहीं है, तो हम 17 का ही पहाड़ा पढ़ के देख लेते हैं, 17 3 51 होता है, तो हम 17 बार मिल जाएंगे, 17 1 17 17 3 51। अब हम ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें ये दोनों ही आते हैं एक के अलावा, ठीक है। तो हमारा मतलब कॉमन यहाँ पे क्या निकल के आया है,
गुणे में 17, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, 17 दूनी 34 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। ठीक है, 17 दूनी 34 जो है वो हमारा यहाँ पे मासा हो जाएगा। और ठीक है, इतना हो गया। अब हम अपना करते हैं कौन सा क्वेश्चन, जी वाला क्वेश्चन। तो जी वाले क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, 70 दिया गया है, 105 दिया गया है और 175 दिया गया है। इसका हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है। ठीक है, तो इसका मासा हम कैसे निकालते हैं, इसी विधि से ही निकाल लेते हैं। ठीक है, 70 लिख लेंगे, 105 लिख लेंगे और 175 लिख लेंगे। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो तीनों को काट रही हो, तो भाई 2 से 3 तो नहीं कटेंगे क्योंकि इसमें हमारा 2 तो विषम ही है। क्या 3 से 2 कट जाएंगे, 3 से भी नहीं कटेंगे, 5 से कट जाएंगे। 5 ले लेते हैं, 5 एकम 5 2 बचा, 5 चक्कू 20। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 5 या 15, 2 बचा 25। अब हमारे पास ये आ गया है। अब ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो तीनों को काट रही हो, तो 7 जो है तीनों को काट सकता है। 7 दूनी 14, 7 3 21 और 7 5 35। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो तीनों को काट दे, तो यहाँ पे ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, ऐसा मतलब कोई भी पहाड़ा नहीं है जो तीनों को काट रहा हो, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे। तो मासा जो है हमारा क्या हो जाएगा, 5 गुणे में 7, मतलब कि 5 7 35 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। ठीक है, 35 हमारा मासा हो जाएगा। अब हम अपना करेंगे कौन सा वाला क्वेश्चन, एच वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एच वाला क्वेश्चन है 91 और एक 112 और 49, इसका हमें मासा निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, मासा निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मासा। ठीक है, अब हम इसको कैसे करना है भाई, इसको हम नेक्स्ट विधि से बता रहे हैं, हम यहाँ पे विधि लेने वाले हैं, ठीक है, वो वाली गुणनखंड वाली विधि ले रहे हैं। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, 91 का गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, ऐसे ही 112 का गुणनखंड निकालेंगे, फिर हमारा है 49, 49 का गुणनखंड निकालेंगे। तीनों के हम गुणनखंड लिख लेते हैं। हम जानते हैं 91 किसके पहाड़े में आता है, ठीक है, 13 7 91, 13 7 91 होता है। ठीक है, 112 किसके पहाड़े में आता है, 112 जो होता है वो आता है 14 8 112। ठीक है, 14 8 112, और 14 को हम किसमें तोड़ सकते हैं, 7 गुणे 2 में, 8 को हम किसमें तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 में। ठीक है, चाहे तो 112 का आप लासा भी निकाल सकते हो। 49 का मतलब होता है 7 गुणे में 7। ठीक है, ये होता है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मासा की। ठीक है, तो मासा कैसे निकलेगा, मासा कैसे निकलेगा भाई, जो कॉमन होगा। तो हमने यहाँ पे देखा 7 इसमें है 7 इसमें है 7 इसमें, 13 तीनों में नहीं है 2 तीनों में नहीं है और 1 साथ ही है सब में। तो मासा सिंपल से हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ जो कॉमन होगा वही हमारा मासा हो जाएगा, मतलब मासा जो है वो हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से एच वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे आई और जे वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आई वाला क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे उतार लेते हैं, 18 54 और 81, ठीक है, का मासा। ठीक है, मासा। अब हम कैसे करेंगे इसको, हम किस वाली विधि से, भाग वाली विधि से करते हैं। तो कोई दो संख्या ले लो, 18 54 ले लो या 54 81 ले लो, 81 18 ले लो। तो हम पहली दो संख्या ले ले रहे, छोटी वाली संख्या से भाग करेंगे बड़ी वाली संख्या को। कोई भी संख्या ले लो बड़ी में से, ये ले लो चाहे ये ले लो। तो हम 18 का टेबल पढ़ते हैं, 18 36 18 3 54। ठीक है, पूरा पूरा इसने काट दिया। अब पूरा पूरा हमारा अगर कट गया है तो हमें क्या लेना है, वापस से 18। किसने पूरा काटा, 18 ने, तो 18 जो है वापस से लेंगे, अगली वाली जो संख्या है उसको भाग करेंगे। ठीक है, 18 कम 18 36 18 3 54 18 चक्कू 72 18 पंजे 90, ज्यादा हो जाएगा तो 18 चक्कू 72 करेंगे। अब 11 में से 2 हो जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ पे 7 में से 7 गया 0। अब 9 को भाजक बना लेंगे और ये 18 जो है वो हमारे यहाँ पे आ जाएगा। अब ये 9 दूनी 18 होता है, पूरा पूरा ये हमारा कट जाएगा।
किसने पूरा पूरा काटा है? नौ ने पूरा पूरा काटा है, तो हमारा मासा जो है वो क्या आ जाएगा? नौ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नौ आ जाएगा। नौ हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी भाग विधि से हम बता देते हैं, जे वाले क्वेश्चन को। ये है हमारा 12, 45, 75। ठीक है, तो कोई दो संख्याएं हम ले लेते हैं। मान लो हमने 12 ले ली है और 75 ले लिया है। अब हम इसको भाग करेंगे। ठीक है, तो हम किसे भाग? 12 5 60 62 72 छह बार में ले जाएंगे। ठीक है, 62 72 करेंगे तो हम 75 से 72 को जब घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब हम 3 को भाजक बना लेंगे और 12 से भाग करेंगे। 3 चक्कू हमारा होता है 12। पूरा पूरा हमारा कट गया। तो किसने पूरा पूरा कटा? 3 ने। अब यही 3 लेंगे, 3 से हमारा कौन सी संख्या बची हुई थी? 45। 45 को हम भाग करेंगे। 3 एकम 3, 1 बचा, 5 को उतारेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है अब 1 को भाजक बना लेंगे, अभी हमारा 5 बचा हुआ है ना। ठीक है, अब 3 5 15 करेंगे, पूरा पूरा हमारा कट गया। तो किसने पूरा पूरा काटा? 3 ने। तो इसका मतलब मासा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखना भूल गए, का मासा, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 3। 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहला वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा पूरा पूरा कंप्लीट हुआ है। उम्मीद है तीनों तरीके जो है मासा निकालने के आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, ये रहा हमारा ऐप जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सोल्यूशन। प्ले स्टोर पे जाइएगा, ये नाम सर्च करिए, चाहे तो इस चैनल का नाम सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, जब चैनल हमारा आ जाएगा ना उसको डाउनलोड कर लेना, हो सके तो 5 स्टार की रेटिंग कर देना तो मुझे अच्छा लगेगा। और आपको क्या करना है, जब ऐप ओपन होगा तो थोड़ा सा स्लाइड करना, मैं आपको चाहे तो दिखा देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ गया हमारा ऐप। ठीक है, इस तरीके से ऐप को ओपन करेंगे। ठीक है, अब ऐप ओपन हो गया, ये यहाँ पे जो बुक है वो यूपी बोर्ड वालों के लिए। स्लाइड जब करेंगे पर्पल सेक्शन पे टच करेंगे तो ये आपकी क्लासेस आ जाएंगी, जो भी क्लास के वो उस पर टच करेंगे, हिंदी मीडियम की इंग्लिश मीडियम की सारी बुक्स मिल जाएंगी, जो भी पढ़ना है आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना। ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हर सब्जेक्ट के सोल्यूशन आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमसे कह रहा है निम्न का मासा क्या है, जैसे 2 क्रमागत संख्याएं दी गई। ठीक है, 2 क्रमागत संख्याएं हमको दी गई हैं, इनका मासा तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 क्रमागत संख्याओं का मासा क्या होता है। तो कोई आप एग्जाम्पल, अगर आपको नहीं आंसर आ रहा है तो आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे 1 2 ले लो, इनके मासा की बात करेंगे तो 1 आएगा, 2 3 ले लो, क्योंकि ना 2 के पहाड़े में 3 आता है ना 3 के पहाड़े में 2 आता है, तो हम इसका भी मासा 1 होगा। 3 और 4 ले लो, 2 क्रमागत संख्याएं जो होती है वो कभी एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आती है। जो एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आती है उनमें कॉमन की बात करते हैं तो कॉमन सिर्फ 1 होता है, तो मासा भी हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे अपना सेकेंड वाला क्वेश्चन। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है? सेकेंड वाले क्वेश्चन में दिया गया है 2 क्रमागत सम संख्याएं दी गई हो। ठीक है, 2 क्रमागत सम संख्या है, मान लो 2 है और 4 है, इनका अगर हम मासा निकालें तो ऐसा पहाड़ा ढूंढना है जो दोनों को काट दे, तो 2 1 2 2 2 4 इसके बाद नहीं कटेंगे। मान लो हम 4 और 6 ले लेते हैं, क्रमागत का मतलब जस्ट अगली सम संख्या है। ठीक है, तो 2 से ही तीनों दोनों कटेंगे, 2 2 4 2 3 6, अब ये हमारी नहीं कटेंगी। हम ले लेते हैं 14 और 16 ले लेते हैं, 16 होगी ना अगली, तो 2 से कटेंगे, 2 7 14 2 8 16, अब ये हमारी किसी पहाड़े से नहीं कटेंगी 2 के अलावा, तो उनका मासा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 क्रमागत सम संख्याओं का मासा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर लिखा है 2 क्रमागत विषम संख्याएं। ठीक है, 2 क्रमागत विषम संख्या, जैसे 3 है 5 है, ठीक है 5 है 7 है
और 7 हैं 9 हैं, ये हमारे आपस में नहीं कट रहे हैं, ये ना एक दूसरे के पहाड़े में आ रहा है, तो मतलब इनका मासा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दो क्रमागत विषम संख्या का मासा क्या होगा, हमेशा एक होगा, ठीक है, एक हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है हमारा दूसरा वाला भी कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे हम अपना थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन जो है ध्यान से देखते हैं ये क्या कह रहा है भाई। थर्ड वाले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा दो सह अभाज्य संख्याओं 4 15 का मासा इस प्रकार है कि 4 के गुणनखंड इस तरीके से किए, 15 के गुणनखंड इस तरीके से किए, ठीक है। चूंकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सार गुणनखंड नहीं है, इसलिए 4 और 15 का मासा शून्य है। क्या यह उत्तर सही है? नहीं तो मासा क्या होगा? अब जैसे कि हमने 4 का गुणनखंड 2 गुणे 2 निकाला, 15 का गुणनखंड 3 गुणे 5 निकाला, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, जो कॉमन होता है वही तो हम लेते हैं, पर इसमें कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या मासा 0 होगा? बिल्कुल भी नहीं। 4 जो है हम इसके गुणनखंड और लिख सकते हैं क्या? 1 लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड एक और लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, अब तो हमें कॉमन मिल गया है ना, ठीक है, 0 नहीं होगा कभी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, शून्य नहीं होगा, इसका मासा 1 होगा। जब कॉमन नहीं होता है तो मासा क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। अब चाहे तो आप करके दिखा दो, 4 = 1 * 2 * 2 और 15 = 1 * 3 * 5, ठीक है। तो हमारा मासा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, चाहे तो लिखना हो चाहे तो ये भी लिख दो कि 4 का 1 गुणनखंड, 4 क्या, 4 और 15 हम दोनों चीजें लिखनी चाहिए हमें, ठीक है। 4 15 का 1 गुणनखंड 1 भी है, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया, इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो हमारा पूरा सॉल्व हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई। क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहती है कि हमारी वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए, कुछ करो या ना करो हमारी वीडियो को शेयर सबसे ज्यादा करो। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया रिक्वेस्ट है कर लो।